गाइज गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वेजराज बटरे और आप देख रहे हैं रियल शेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि वेज मंचूरियन कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मंचूरियन बनाने के लिए हमें सबसे पहले मंचूरियन के बॉल बनाने हैं। तो मंचूरियन बॉल बनाने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 किलो गोभी घिस रखा है, जो कद्दूकस करते हैं जिसको। और उसके बाद हमने लगभग 100-150 ग्राम बारीक बीन्स काटा हुआ है, और उतना ही हमने गाजर लिया हुआ है, और हल्का सा हमने लगभग 50 ग्राम आसपास हमने अदरक काटा हुआ है बारीक, और हमने काटा हुआ है बारीक धनिया, और हमारे पास लगभग 200 ग्राम पनीर है। तो ये सारा को हम इसमें मलने वाले हैं। तो सारा सब्जी हम एक ही जगह मिक्स करते हैं, ये बीन्स, ये धनिया और ये गाजर, फिर ये बारीक कटा हुआ अदरक और ये पनीर। तो इसको हम अच्छी तरीके से पहले मलते हैं पनीर को। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक, लगभग 2.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल लिया, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सोया सॉस, फिर हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस, फिर हम इसमें डालने वाले हैं कैचअप, टोमेटो कैचअप, और ये हम डालेंगे इसमें सिरका। सिरका थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिली सॉस डाला हुआ है, वो भी खट्टा होता है और ये भी खट्टा होता है। और फिर हम डालने वाले हैं ये मंचूरियन मसाला। ये मसाला के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मसाला देखो कौन सा यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि ये मसाला बताइए कौन सा है। मैं जो भी राइस, चाउमीन, चिली पोटैटो जो भी डालता हूँ, मैं इसका मसाला डालता हूँ। देख सकते हैं ये चिंक्स का मसाला है, तो ये मंचूरियन मसाला है, तो इसमें मैं मंचूरियन मसाला डालूंगा। इसी तरीके से मैं जो भी ऑर्डर बनाता हूँ उसमें उसी हिसाब से मसाला डालता हूँ, वही मसाला। तो एक पैकेट मसाला इसमें ये डाल देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा मसाला है। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालने वाले हैं ये चिल्ली पेस्ट, देख सकते हैं ये काफ़ी स्पाइसी होता है, इसलिए हम ये थोड़ा सा डालने वाले हैं। और फिर हम डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, देख सकते हैं इतना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस रखा है, तो ये पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम एक बार अच्छी तरीके से मलते हैं। ध्यान रखिए, गोभी को हमने कुछ भी निचड़ा नहीं है। हमने पिछली बार वेज मोमोज बनाए थे तो हमने नमक डाल के इसको निचड़ा था, लेकिन आज हमें निचोड़ना नहीं है। इसमें से पानी निकलेगा, लेकिन इसमें अभी हम कॉर्नफ्लोर और मैदा वगैरह डालेंगे तो उसमें पानी सोख लेगा वो। तो गाइस, हमने इसमें सॉस वगैरह, मसाला वगैरह जो भी डालना था डाल के सारा सब्जी इकट्ठा करके हमने इसको मल लिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं कॉर्नफ्लोर, देख सकते हैं मैं ये 3 किलो गोभी में लगभग ये एक कटोरा भर के इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया, और एक कटोरा और मैं डाल रहा हूँ, इतना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ले लिया, देख सकते हैं। अब फिर इसको दोबारा मिलाएंगे हम। ये क्या होता है कि हम जैसे कॉर्नफ्लोर वगैरह बिल्कुल नाप तोल करके नहीं डालते हैं, इसमें जैसे हम बनाते हैं उसी हिसाब से हमें लगता है कि कितना कम है और डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये बनाते बनाते अपने आप आइडिया हो जाता है। सो आप भी एक दो बार जब बनाओगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। सो ध्यान रखिए कि मैदा हमें जितना हमने अरारोट डाला है उससे कम डालना है। हमने 2 बोल हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, हम 1 बोल इसमें मैदा डालने वाले हैं, 1 बोल से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो इसको भी इसमें मिलाते हैं अच्छी तरीके से, फिर इसको मिक्स करते हैं। सो हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाया, देख सकते हैं इस तरीके का हमारा ये बैटर तैयार है। अब हम इसका निकालेंगे मंचूरियन के जो बॉल्स होते हैं वो निकालेंगे। बॉल्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे तेल रख रखा है, अब इसको करेंगे गर्म। सो गाइस, तेल गर्म हो चुका है। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं तो अगर आपका ठंडा हो गया तो जो आपके पकौड़े होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत जल्दी वो जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो हमने पकौड़े बनाने के लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पर पानी रख रखा है। अब हम ये मसाले को हमने अपने पास में रखेंगे इस तरीके से। सो और हाथ में हम पानी लगाएंगे दोनों हाथ में इस तरीके से, फिर हम ये उठाएंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। फिर हमें इस तरीके से बनाने, देखो हाथ को बार बार गीला करना है, आपको धोना है ताकि ये आपको बनाने में आसानी होगी। इस तरीके करके यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आपको निकालना है, इतने बड़े बड़े साइज़ के। फिर एक एक करके इस तरीके से देख सकते हैं,
सो इतना बनाने के बाद देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको चलाना नहीं अभी, थोड़ा सा आग तेज़ करना है और एक मिनट थोड़ा सा ऐसे पकने देते हैं। जब आप एक बार पूरा पकौड़े डालें उसके बाद थोड़ा सा गैस को हाई करें ताकि ये थोड़ा सा जल्दी करारे हो जाएं, और थोड़ा इसको पकने दें फिर कड़छी से हिलाएं, नहीं तो जो हमने डाला हुआ है वो अगर थोड़ा सा फ्राई नहीं होंगे तो हल्का सा करारापन आएगा, तब ये अपने आप छूट के अलग हो जाएंगे, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बीच बीच में ध्यान भी रखते रहे कहीं ये जल ना जाए। सो देख सकते हैं जैसे ये पकेंगे उसी हिसाब से ये अपने आप छूटने लगेंगे। सो अब इसको और पकने देते हैं। सो गाइस लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारे पकोड़े देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं ब्राउन बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं। सो अब हम इसको निकालेंगे। सो देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया पकोड़े हमारे बन के तैयार हैं, ये देख सकते हैं बहुत करारे और बहुत मस्त बने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हमने हाथ रखा हुआ है और इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आता है और यहाँ पे ये देखो सेम यहाँ से दबाएंगे इस तरीके से, और ये बहुत क्रंची और यम्मी बने हुए हैं देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अंदर से देख सकते हैं बहुत बढ़िया सब्जी भरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप ऐसे खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बने हुए हैं और करंची मस्त। तो ये भी इसी में रख देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन पकोड़े हमारे मंचूरियन के तैयार हो चुके हैं, जो मंचूरियन बॉल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप भी मंचूरियन बॉल बनाएं, इसको आप चाहे तो ठंडे होने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो 5-7 दिन या कुछ भी होने वाला नहीं, आराम से आप बना सकते हैं 5-7 दिन बाद भी। और हम इसका आज ग्रेवी मंचूरियन बनाने वाले हैं, आप ड्राई भी बना सकते हैं लटपटा अपने मर्जी से जैसा मर्जी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इससे बनाने वाले हैं ग्रेवी मंचूरियन। हम अभी एक प्लेट मंचूरियन बनाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो शिमला मिर्च को भी हम प्याज के साथ ही मिलाने वाले हैं। तो इतना हम गाजर काट लिए, गाजर को भी हम इसी में मिक्स करने वाले हैं। अब हम काटने वाले हैं थोड़ा सा बीन्स, तो सारा सब्जी हमने एक ही जगह मिक्स कर लिया। अब हम काटेंगे थोड़ा सा धनिया बारीक बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा हरा प्याज काटेंगे। सो थोड़ा सा अदरक काटने वाले हैं, थोड़ा सा लहसुन ले रखा है देख सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से। तो इसको एक प्लेट में निकालते हैं। सो हमने थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है। तो चलिए गाइस फाइनली मंचूरियन बनाते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया हुआ है, हम इसमें डालने वाले हैं तेल। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। सो इसमें हम ये सारी सब्जियां डालेंगे जो हमने काट रखा था, बीन्स गाजर प्याज और शिमला मिर्च। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं पहले। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर, इसमें हम डालेंगे टमाटर। फिर इसको थोड़े से भूनते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, अभी हम ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो अब हम डालने वाले हैं इसमें सोया सॉस।
फिर हम डालेंगे इसमें क्या सब। फिर हम डालेंगे इसमें सिरका और ये है ग्रीन चिल्ली सॉस। और ये है रेड चिल्ली पेस्ट, ये थोड़ा ध्यान से डालें, काफ़ी स्पाइसी होता है, अपने हिसाब से डालें। फिर इसमें हम हल्का सा डालेंगे फूड कलर। फिर हम डालेंगे इसमें नमक, इसमें हम हल्का सा डालेंगे अजीनोमोटो, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर और एक बार फिर हम डालेंगे इसमें ये जो मसाला है मंचूरियन मसाला हल्का सा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाते हैं। तो ये उबल चुका है, अब हम इसमें डालने वाले हैं कॉर्नफ्लोर। सो ये हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है, सो एक बार इसको और मिलाते हैं क्योंकि ये नीचे जम जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप एक ही बार डालेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो आप आइडिया नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। जैसे हमने एक बार इतना डाल लिया, एक बार हिला के देखते हैं ये कितना गाढ़ा होगा। फिर हम और डालेंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालने वाले हैं मंचूरियन। मंचूरियन के हम 10-12 बॉल्स यूज करने वाले हैं, 12-13 बॉल्स डालने वाले बस इसमें। तो हमने इतना मंचूरियन डाल लिया, तो हमारे मंचूरियन बिल्कुल पक चुके हैं, इसको पकने का कोई टेंशन नहीं है। सो अब इसमें हम डालने वाले हैं पनीर जो हमने बारीक करके रखा हुआ था। ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी अच्छी बनेगी जब चम्मच के साथ, इसमें जब चम्मच के साथ जब भी ग्रेवी खाएंगे तो इसमें बहुत सब्जियाँ आएंगी, इसलिए बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इसका, इसलिए हम इसमें पनीर भी ऐड करते हैं हमेशा। और अब इसमें हम डालेंगे धनिया, धनिया इसी में डाल के हम मिला रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी मंचूरियन बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से बनाई जाती है मंचूरियन। सो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हमारी बहुत ही बढ़िया वेज मंचूरियन ग्रेवी तैयार हो चुका है। सो इस तरीके से आप भी अपने घर में या रेस्टोरेंट में बना सकते हैं। सो देख सकते हैं गाइज बहुत ही बेहतरीन मंचूरियन ग्रेवी हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप भी अपने रेस्टोरेंट में या घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया लग रहा है। सो गाइज आपको समझ आया होगा कि वेज मंचूरियन ग्रेवी कैसे बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक कमेंट छोड़ते जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।